अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, थर्ड वीडियो फ्रॉम अलादी गोट फार्म साजिद भाई के साथ में हम लोग। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। सो भाई, ये वीडियो में हम लोग गुजरी बकरे देखने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, पहला गुजरी बकरा आपके सामने है, बहुत बड़ी फ्रेम का बकरा है। क्या डिटेल पे होगा भाई? ये बकरा 8 दांत पे है जी, और समझो ना 80 किलो का रहेगा ये। 80 किलो? हाँ, 80 किलो का बकरा है, बड़ा बकरा है माशाल्लाह जी। और हाइट इसकी रहेगी 41 प्लस। 41 प्लस रहेगी? बकरा काफी बड़ा है, देख सकते हैं आप, खाली बकरा है एकदम। हाँ, कभी आया था अपने पास ये भी? समझो ना ईद के पहले ही आया, करीब करीब ईद के पहले ही आया। अच्छा, बकरी ईद के पहले? बकरी ईद से मतलब लगभग 4 महीने हो गए इसको। हाँ, 4 महीने हो गए माशाल्लाह। तो आने के बाद जब आया था, क्या वेट पे था? कम वेट पे था भाई, 65 किलो पे था। तो हाइट भी बढ़ा है इसने यहाँ पर? हाइट भी लिया है इसने माशाल्लाह। सही है, 41 की हाइट है और नए 8 दांत है आप बता। हाँ, 8 दांत। सही है, इसका नाम कुछ रखे हो आपने? इसका कुछ भी नाम नहीं है भाई, पैर पाए का बहुत मजबूत, बहुत अच्छा बकरा है ये, और बड़ा लेंथ वगैरह में बहुत अच्छा है, अच्छा बच्चा है। बहुत लोग जैसे बड़े बड़े गुजरी ढूंढ रहे, उसमें से आई थिंक ये एक है। एक है हाँ। थोड़ा सा घुमाओ चलाओ या खेलता है ना, ये भी खेलता है भाई, सब वेल ट्रेन्ड है। देखो आप, अब ये बकरा दिखेगा आपको माशाल्लाह, शोबाज है अपने बकरे सब माशाल्लाह। हालांकि गुजरियों में तो आप मानते हो कि इतना एग्रेशन नहीं होता है भाई। यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ भाग के। हाँ, मेरे को लड़ने से ज्यादा ये जो चाल है ना, ये दिखानी है लोगों को। ये देखो भैया, थोड़ा सा खेलो फिर ऊपर आ जाना आप माशाल्लाह। आप बस बकरे पे मेहनत करो, बहुत अच्छा बनेगा। उधर जा, बकरा ईद में बहुत देखने लायक रहेगा बकरा, इंशाल्लाह जहां भी जाएगा नाम करेगा इंशाल्लाह। क्या एक्सपेक्टेशन क्या आपकी ये बकरे को लेके? ये तो आराम से 100 किलो के ऊपर तो आराम से जाएगा इंशाल्लाह। आराम से जाएगा, आराम से, क्योंकि उसका बदन ही माशाल्लाह उतना मांगता है, फ्रेम है इतनी बड़ी। हाँ, खाने पीना तो आप देखते हो, खाना पीना भी फुल सेट है, कोई टेंशन नहीं है। असल में क्या, ये सीजन पे भी है ना डिपेंड करता है भाई। सही बोला आपने, हर किसी के पास नहीं होएगा ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन अपने यहाँ पर कैसा है, यानी ट्रॉपिकल रीजन है। नहीं नहीं भाई, आप तो इधर बरसात एक ही दिन में 3-3 मौसम देखने मिलते हैं, सुबह दोपहर में, जरूरी सुबह फजर के टाइम पे बरसात हो जाती है और दिन के टाइम पे जो है गर्मी दबा के होती है। बिल्कुल, साउथ मुंबई में मैं गया था अभी 2 दिन पहले, सिकंदर भाई क्या वो बोल रहे थे बकरा पालने अब मजा आएगी। हाँ, मैं पूछा क्यों, बोले कि अब जो गर्मी या ठंडी आएगी ना, ये बकरे पालने का क्या है, क्लाइमेट स्टेबल हो जाता ना तो बकरा फिर क्या है, सेट हो गया। जो बकरा रहता है ना भाई, वो भी कभी कभी परेशान हो जाता है, क्योंकि बरसात की ये आवाज ऐसी है ना कि इनको बहुत चीड़ मचती है बकरों को। सही है, राजस्थान से आते हैं जी, जहाँ पर तो बारिश शायद एक आध बार भी नहीं होती है कभी कभी जी। सही है, तो क्या मांगते हैं आप ये बकरे का? ये बकरे का जो है भाई, मैं 60,000 रुपए मांग रहा हूँ। 60,000 जी, 60,000 रुपए फॉर 80 kg गोट। हाँ, नेगोशिएबल हो गए? स्लाइटली नेगोशिएट करें, बकरा है उस फ्रेम का है ना, ऑल दैट। ठीक है, और बनेगा इंशाल्लाह। तो इसकी क्या आप पलाई चार्जेस? 3,500। 3,500 भाई। और कोई लेके जाना चाहता है तो लेके जाओ ना, कोई अपने यहाँ रोक टोक नहीं है, लेके जाना है लेके जाओ, रखना है रखो, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। और ट्रांसपोर्टेशन उसका नसीब जहाँ रहेगा वो वहाँ चले जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, अपने वसीम भाई है ना जी, वो करवा देंगे ट्रांसपोर्ट। सही है, वसीम भाई यहाँ पर ही खड़े मिल सकते हैं आपका, इधर चलेगा। चलिए, तो ये पहला बकरा देख लिए, अभी दूसरा इसका ही भाई है जी, छोटे मियाँ। ये बड़े मियाँ है, अभी छोटे मियाँ गोट फार्म नामकरण भी हो गया उसका। चलेगा, छोटे मियाँ गोट फार्म ला वक्की चाचा, जा लेके जा उसको, इसको लेके जा, इसको भी उधर लेके जा, ले पकड़ ले रिजवान, वक्की चाचा और हमजा। हमजा माशाल्लाह, अल्लाह सबके कारोबार में बरकत दे, आमीन। देखिए उसका ही बिल्कुल भाई, ऊपर लाओ भाई। इसकी हाइट उससे कम है। हाँ, लेकिन बकरा दांतों में भी कम है ना भाई ये। हाँ, ये 4 दांत पे बच्चा, 4 दांत पे अभी जी। और रंग वगैरह देखो, जो डार्कनेस सब चाहते ना हम लोग। हाँ, शाइनिंग और डार्कनेस वो सब है बकरे के अंदर, चेहरा भीरा देखो, मजा आ गया। और माशाल्लाह अच्छा देख लो आप, नस्ल में भाई अच्छी अच्छी नस्ल में। ये भी इससे अपने पास है? ये तो मेरे लॉट में का बकरा है, 2 अंडुल थे मेरे पास। हाँ, उसमें का एक ये बकरा है, मतलब वो ईद से 4 महीने। हाँ, से मैंने वहां से कहता, एक बकरी थी बहुत बड़ी गुजरी बकरी जी, तो वो इससे लगी हुई थी, तो मैंने ये भी ले लिया, बकरी भी ले लिया, ये भी ले लिया। वो बकरी है भी अपने नहीं, बकरी तो मैंने एक अपने भाई है उनको दे दिया, बकरियों का शौक करते हो। सही है, तो उनको दे दिया मैंने। ये क्या डिटेल पे आएगा बच्चा?
ये बच्चा है 65 किलो प्लस है ये। अच्छा ठीक है, चार दांत पे है माशाल्लाह, और 38 हाइट है इसकी। चार दांत पे बहुत बड़ा बकरा हो गया। हाँ मतलब अभी तो दांत पे तो ये हाइट भी 40 की चल रही है, आराम से लेगा भाई ये हाइट। पैर वगैरह देखो इसके, सही है। और मेन तो क्या है, नस्ल है, प्योरिटी में अच्छा है, समझे, जो गुजरी में जैसा हम लोग चाहते ना, सब चेहरे पे सफेदी, चारों पैरों पे सफेदी, और ये कलर भी एकदम माशाल्लाह शाइनिंग के साथ में, देखो डार्कनेस है उसके अंदर। और क्या मांगते हैं बकरे का? ये बकरे का मैं मांग रहा हूँ भाई 48,000। 48,000 जी, ठीक है। अगेन जिसको पसंद है कॉल जरूर करे, निगोशिएट करे, समझ में आएगा देंगे। हाँ कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। छोड़ो भाई इसको, छोड़ के खेल, शौकत है, खेलने वाला नहीं, ये भी खेलने वाला है भाई। अरे हाँ यार, छोड़ते चालू हो जाते हैं सब सब, वो उसी फिराक में रहते। कब आप आओ, वीडियो बनाओ और वो खेलना खेलने का दिखाए, खेल दिखाए, देखो ना सीधा सर्कस में आ जाते हैं। हाँ भाई इधर भाग के आ जाओ ना थोड़ा ऊपर। हाँ भागो, आप गिर नहीं जाना, तू भाग भाग भाग, इधर इधर भाग के ऊपर आ जाओ, चलो भागो भागो। अरे मेरे को बकरे से ज्यादा भाई के लिए डर लग रहा है। बकरे का टेंशन नहीं है भाई, एक लास्ट टाइम ऊपर आ जाओ, भाग के जाओ। अरे ओ, इट वाज अ क्लोज वन, पकड़ लो, बच गया अख्तर, पकड़ लो। दो गुजरी के बाद में आपको एक मेंढा दिखा रहे हम लोग, ये भी फॉर सेल है जी, फॉर सेल है ना। ये क्या डिटेल पे पहले ये बताइए आप। ये चार दांत पे भाई है और 80 किलो वेट है इसका, और नस्ल में 78 कच्ची, किलो कच्ची है माशाल्लाह, और पूरा गुलाबी है, पूरा गुलाबी, पूरा गुलाबी और मार्बल तो, खोर। हाँ कुर्बानी करने वाली चीज है माशाल्लाह, माशाल्लाह लेके कोई पाले, और कच्ची तो वजन भी बहुत अच्छा लेते। मेरे यहाँ पर तो माशाल्लाह समझो ना, ये 20 से 25 किलो वजन लिया है। कभी बकरा ईद किलो वजन लिया है? बकरा ईद में नहीं आया था, बकरा ईद से पहले आया था। ये बकरा जो है ना अपने वक्की चाचा, ये मेंढा वक्की चाचा से लिया था। अच्छा, छोटे मियाँ गुड फार्म जी, माशाल्लाह उनका भी बहुत अच्छा हाथ है मेंढो में जी, माशाल्लाह चेहरा भी काफी रुबाब वाला आ गया। दांतों में कितना है? चार दांत है अभी, चार दांत, अभी चार दांत लगाए हैं, अभी चार दांत, 80 किलो वजन जी, शानदार 78-80 किलो है। खूबसूरती देखो 75 ही पकड़ो, खाने पीने में काफी अच्छा होगा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और सेट है एकदम जानवर, चलेगा। फुल गुलाबी है ऊपर से दुम तक, पूरा गुलाबी है, देखो ना दुम भी, बताओ ना दुम भी माशाल्लाह, मोटी दुम का एकदम, बहुत अच्छा बच्चा है, देखो पूरा गुलाबी, पूरा गुलाबी पन है, देखो। ये भी खेलता है भाई, ये भी खेलता है भाई, इसका खेल भारी पड़ सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये माशाल्लाह खेलता है, अच्छा खेलता है, तो थोड़ा इसको भी अच्छा है भाई। अभी ये भी जा शौकत, छोड़ जरा खेल, जा नीचे ले गया खेल। क्या मांग रहे वैसे इसका भाई अपन? इसका मैं जो है 40,000 रुपए मांग रहा हूँ भाई। 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए मांग रहे हैं। कच्ची नस्ल का है, फुल वाइट गुलाबी, ये 100 kg तक आराम से पहुंच जाते हैं भाई। ज़्यादा, अभी वक्की चाचा से आप जाके पूछोगे, उनके पास था कच्ची 150-150 किलो तक जाते हैं। पर हाइट लेनी चाहिए ना, ये हाइट थोड़ी कम है ना, ये तो चार दांत पे ना भाई, अभी तो हाइट लेगा, अभी और लेगा ना, क्यों नहीं लेगा, चार दांत तो अब भी लगाया है। सही है, बाकी मैं देखा हूँ कलर में आते, पूरा वाइट है। मैंने दो दांत पे लेके आया था ये, समझ रहे बात, दो दांत पे लेके आया था। इसका क्या नाम रखे? इसका रोलेक्स नाम है, रोलेक्स जी। 80 किलो पे दोस्तों, मोटी गर्दन, एकदम मजा आ गया जी। और जो हिसाब से देखो ना, बकरा मेंढा या बकरा जो फिटिंग जो फ्रेम बनाता है, उससे अपने को मालूम पड़ता है कि भाई ये क्या वेट लेगा, क्या वजन लेगा। और पढ़ाई के चार्जेस क्या होंगे इसके? इसके भी वही है 3,500। 3,500 देखो आ रहा है मूड में, स्लो स्लो आ रहा है। चेहरा भीरा देखो उसके, एकदम रुबाब वाला है। चेहरा देखो, चलेगा। आप यहाँ भी पलाई पे रखा सकते हो, लेके जाना है लेके भी जा सकते हो, बहुत शानदार चलेगा, जान दो उसको भाई। तो भाई क्योंकि बकरे और भी हैं, लेकिन हम लोग कुछ कुछ ही दिखा रहे हैं एक वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ छोटे है, जैसे छोटे बैंटम, मालवा है एक बच्चा, मालवा बैंटम है, बोर है, बकरी है। हाँ तो वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। आपका नंबर बोल दो, 88502-84856। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।